मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ लिसाड़ी गेट में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। यहाँ अवैध रूप से कंट्री मेड हथियार तैयार किए जा रहे थे। पिछले 5-6 साल से यह नेटवर्क चल रहा था। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में शालीमार गार्डन निवासी इकबाल व आमिर, समर कॉलोनी निवासी आस मोहम्मद व इरशाद, ईरा गार्डन निवासी हसीन व शहजाद कॉलोनी निवासी और आमिर शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए 20,000 से 25,000 रुपये प्रति कंट्री मेड हथियार बेचा जा रहा था। यह हथियार राशिद पुत सलीम के चारपाई वाला पुल आशियाना कॉलोनी लिसाड़ी गेट में बनाए जा रहे थे। राशिद, शहजाद, इसरार, शाहिद व जुल्फीकार अभी फरार हैं। उनकी भी तलाश की जा रही है। मेरठ के पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने गिरफ्तार लोगों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए यह जानकारी दी। ये पिछले 10-15 दिन से सूचनाएं मिल रही थी, विशेष तौर से लिसाड़ी गेट क्षेत्र में और एक दो जगह देहात क्षेत्र में भी, कि लोग इलीगल वेपन बना करके उसको एक दूसरे को बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। इस क्रम में एक ऑपरेशन हुआ जिसमें लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र, जो कि बहुत ही घनी आबादी का क्षेत्र है, उसके अंदर एक घर से एक असलाह फैक्ट्री, अवैध असलाह फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें 7 से 8 तो पिस्टल मिली है जो कि बनी हुई है, और इसके अलावा लगभग 200 मैगजीन मिली है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि मैगजीन की भी सप्लाई करते हैं। उसको भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें जो एक और अभियुक्त है वो फरार है, उसको हम लोग लगातार दबिश की कार्रवाई जारी है। साथ ही बहुत भारी मात्रा में इसमें उपकरण बरामद हुए हैं, जिससे कि अवैध असलहे का, कंट्री मेड वेपन जो होते हैं, उनका निर्माण करके और बेचने का काम किया जाता है। विशेष चीज़ इसमें यह है कि पुलिस वहाँ तक जाएगी कि कहाँ कहाँ इन्होंने असलहा पिछले 5 साल में सप्लाई किया, जो बताया गया पूछताछ में कि पिछले 4-5 साल से चल रहा था, कहाँ कहाँ सप्लाई किया है, कहाँ किसको बेचा है, उनका उन तक भी नेटवर्क का पता लगाया जाएगा, और इसके लिए अलग से एक टीम भी बनाई गई है। साथ ही जिस टीम ने ये पकड़ा है सूचना के आधार पर, उनको 25,000 रुपये कैश रिवार्ड भी दिया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।